क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्जेंट थे। मैंने 5 दिन बाद चक्कर लगाया, पर रिटर्न भी मैंने कर लिया हुआ है। बिस माइंड उसामा खैर सेकंड पेन ये है। अच्छा जी, तो ग्लास ले लिया हुआ है। ये इतना सा कहाँ लगाना है हम लोगों ने। अभी फिलहाल जो है मैंने ट्रे और ग्लास एज यूजुअल ख़त्म कर लिया है। कहिए देखिएगा यहाँ आग निकलेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी निमी एंड वेलकम बैक टू निमीज़ व्लॉग। तो अभी का सीन ये है कि नाश्ता नोश्ता हो चुका है, चाय का मग ये पड़ा हुआ है, और सुबह सुबह रात में मैंने कुछ पार्सल्स दिए हुए थे। कटआउट को बोला हुआ था कि सारे सुबह को भेज दीजिएगा, बाहर से हसन की आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करें, बिल्लियों के साथ उसकी मस्तियाँ चाह रही हैं। खैर ये पार्सल्स जो हैं उसने भेज दिए हैं सुबह सुबह ही, और अभी मैं उठी हूँ तो साथ ही पार्सल आ चुका था। ये सारे स्टिकर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट थे, बहुत ज़्यादा जल्दी जाने वाली चीज़ें थी, जो इसलिए उसने सुबह सुबह भेजी, और मैंने रात का ही कहा हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट चाहिए। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को अभी सामने वाले रूम में लेके जाती हूँ, लेकिन उससे पहले चाय पी लूँ। मैंने बहुत से काम लिखे हैं, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये नीचे मैंने सारे लवाजमात फेंके हैं और ये लाहौर से भी प्रिंट आ चुके हैं। अच्छा जी, कटआउट की चीज़ें ये लिखी हुई थी जो कि मैंने उसको सेंड की और उसने मुझे बनाकर सारी भेज दी हैं। उसके अलावा A4 साइज़ की ये फ्रेम जी। तो मैं कहाँ पे थी कि सुबह वाले प्रिंट थे, कोई आ गया था जिसकी वजह से मुझे व्लॉग नहीं करना पड़ा। खैर अभी बता रही हूँ कि ये वाले हैं जी सुबह के प्रिंट्स और A4 साइज़ के, और उसके बाद ये हैं जी A3 साइज़ के फ्रेम्स और प्रिंट्स जो लाहौर से आने थे, जो मैंने ये वाले तो सेंड कर दिए थे, ये भी सेंड कर दिए थे। और रात के जितने पार्सल्स अभी जाने हैं उनके नंबर्स लिखे हुए हैं और ये आज भेजने हैं लाजमी। बाकी ये कटआउट की चीज़ें थी, लाहौर के प्रिंट्स ये हैं, ये पड़े हुए हैं लाहौर के, ये वाले प्रिंट्स आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मिलती हूँ मैं चाय पीने के बाद और वहाँ जाने के बाद। अच्छा जी, तो अपना सब कुछ सामान जमान उठाकर मैं यहाँ ले आई हुई हूँ। ये है जी सामान जो वहाँ पे पड़ा हुआ था। बाकी आने पे इस रूम में मैंने 5 दिन बाद चक्कर लगाया, 5 दिन बाद मैंने कोई अपने काम की चीज़ को पकड़ा है। ठीक है जी, एक पार्सल हमारा आया हुआ था, ये है, इसके अंदर जी स्टेमल्स हैं, ये भी नहीं मैंने उस दिन के देखे, इसको भी 4 दिन हो गए हैं आए को। और ये है जी दुपट्टा, इस दुपट्टे की लैस उतारी हुई थी, आंटी से कह के उतरवाई थी, क्योंकि इसने ना ये कलर और ये कलर बहुत ज़्यादा लाइट कर दिया था और बहुत ही अजीब लग रहा था, तो फिर हमने इसकी लैस उतरवाई और इसे दोबारा से हमने डाई करवाया है, और अब हम इसको दोबारा से लैस अटैच करेंगे। इसके अलावा इसके साथ ही ये दुपट्टा बनकर आया था जो कि जी नादे अली वाला है, और इसको आज हमने डिस्पैच करना है। ये वाला दुपट्टा, ये वाला भी है लेकिन इसका निकाहनामा नहीं बना हुआ तो ये नहीं जाएगा आज। और इसके अलावा ये कुछ मेरी बाज़ार की शॉपिंग्स हैं, दुपट्टे जो लाने थे वो लेकर आई हैं, उनमें से एक दुपट्टा मैंने टेल कटिंग करना है। अभी फ़िलहाल जो है मैंने आज के जो ऑर्डर्स भेजने हैं उनको देखने लगी हूँ। ये स्टिकर्स और ये सारे नेम्स जो हैं वो सारे रखते हैं, और जो पेन बनाने वाले हैं उनको बनाती हूँ, और सारा कुछ साइन करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा जी, तो अभी का सीन ये है कि व्हील के ऊपर रिटर्न भी मैंने कर लिया हुआ है, बिस्माइंड उसामा उस्मान रिटर्न करना था, और ये बिस्मान उस्मान का पेन बनाने लगी हूँ, इनका ऑर्डर डन हो जाएगा। फिर उसके बाद जी सबिया और मंसूर का पेन बनाना है, ये ऑर्डर भी डन हो जाएगा। उसके अलावा मैं एक फ्रेम को भी स्प्रे कर चुकी हूँ, बाहर ये पड़ा हुआ है ताकि वो स्प्रे हो जाए और ड्राई हो जाए। इसके अंदर निकाहनामा ऐड करना है, वो भी एक ऑर्डर है। ठीक है जी, ये है जी A3 ब्लू का, इसको हम लगाते हैं। उसके बाद नादे अली वाला दुपट्टा है जो कि ये पड़ा हुआ है, 1 2 ये वाला 3 ऑर्डर, और ये अली ने अभी प्रिंट लाने हैं, लाएगा तो जाएगा 4th ऑर्डर। और उसके बाद ये वाली ट्रे ग्लास और ये वाला पेन बनाने लगी हूँ, तो आप लोग मेरे साथ रहें। ये वाला अभी हम पेन और ट्रे और ग्लास बनाते हैं, और ग्लास किचन में, किचन से ज़रा ले आऊँ क्योंकि सारे ग्लास ख़त्म हो चुके थे, घर का ग्लास निकाला मैंने अब क्योंकि अभी जाना नहीं था किसी ने अर्जेंटली, और ग्लास बहुत ज़रूरी था, तो मैंने मम्मा के थोड़े बहुत तरले किए कि जब मेरे ग्लास आएंगे मैं आपको एक ग्लास दे दूँगी, अभी फ़िलहाल मुझे एक ग्लास दे दें अपने ग्लासों में से। तो इसको कम्प्लीट करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा जी, तो अभी का सीन ये है कि मैं पेन बना रही थी और अचानक से मुझे भूख लग गई, तो मैं अपने लिए रोटी बनाने के लिए चली गई, और मैंने अब खाना खा लिया है, और ये ज़रा डब्बा ज़रा बंद करके साइड पर रखे। ये वाला मिरर है जो हम लोगों ने बनाना है, बाकी ये पेन्स के फ्लावर्स मैं बना चुकी हुई हूँ, और एक ये रेड वाला फ्लावर लगना है एक पेन के ऊपर, और बाकी ये नेम्स कटिंग हुए हैं जो कि लगने हैं। उसके अलावा मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, जो कि आपको अपडेट जो देनी थी मैंने दे दी है कि मैंने ये किया है, और टाइम जो हो रहा है वो 6:30 हो गए हैं, और अगर अभी से पैकिंग स्टार्ट की जाए तो ही पार्सल जो है वो डिस्पैच होंगे। तो मैं आज फिर डिस्पैच नहीं कर रही क्योंकि टाइम है नहीं है मेरे पास। अभी मैंने पेंस बनाने थे, मामा आ गई, मामा कहीं पे गई हुई थी, तो मामा की तबीयत नहीं थी ठीक, तो मामा मुझे कह रही थी कि रोटियां तुम बनाओ, तो फिर मैं रोटियां बनाने लग गई। अगर मैं ना बनाती तो शायद मैं पेंस कंप्लीट करके तो अभी तक डिस्पैचिंग में शुरू हो जाती, और अली भी मेरे प्रिंट्स लेकर नहीं आया। तो इन शॉर्ट ये कि वो डिस्पैच आज नहीं कर रही, मैं अभी फ़िलहाल जो है ना ये वाला पेन कंप्लीट कर रही हूँ, और कुछ ये PR की चीज़ें मैंने लिखी हैं कि मैंने PR जो भेजना है उसकी चीज़ें जो है ना कंप्लीट
कंप्लीट करते हैं और ये सामान और कल का सामान इकट्ठा ही डिस्पैच करेंगे। अब देखते हैं कि क्या क्या कल डिस्पैच होगा, क्या क्या आज डिस्पैच होगा। फिलहाल जो है वो इस पेन को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ इन दोनों पेन को, ठीक है जी। अच्छा जी, तो मैंने अपने पेन्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं। एक है जी ये वाला पेन, इसने कहा था जी रेड फ्लावर लगाना, मैंने कहा ओके। ज़रा फ्लैश ऑन हो नहीं रहा, मैंने कहा शायद फ्लैश ऑन हो जाए, बैटरी नहीं है, और मैंने ये भी नहीं देखा बैटरी कितनी है। खैर, सेकंड पेन ये है, इन्होंने कहा था कि जी एक सिंगल पेन बनाना है विद दीज डिटेल्स, तो इनका सिंगल पेन रेडी है। और बाकी मैंने जो मिरर था वो रेडी करना था, लेकिन ये मिरर बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैंने वैसे मिरर रेडी कर देना था ये वाला, और मैंने रेडी इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा था कि साथ ग्लास भी बनाना है। तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा इस पर ग्लास तो बच्चा सा लगना है और मिरर कितना बड़ा है। तो अब मैंने अली को भेजा है, अली साहब मुझे मिरर ला कर दें, क्योंकि छोटे मिरर्स घर में पड़े नहीं हुए। ये मैंने ज़रा ना एक्स्ट्रा पीसेस निकाले हैं, बाकी ये फेदर्स फूदर्स पड़े हैं, वो स्टिकर जो है ना ये वाला, ये मिरर पर ही लगना है। तो इनका जो है सामान लवाजमात पूरे हो जाएंगे। अभी इन सब कामों में से मेरा सिर्फ एक ट्रे और एक ग्लास रहता है, ठीक है जी। तो उसको कम्प्लीट करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। हाँ जी, तो अभी मैं उस रूम में चली गई हुई थी खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद मैं व्लॉग को भी एंड करके चली गई हुई थी, लेकिन फिर मुझे अभी जो है नींद नहीं थी आ रही, तो मैंने सोचा कि मैं जाके एक तो अपना सामान जमान कंप्लीट कर लूँ, ताकि सुबह आंटी पैकिंग कर दे जब वो आएंगी सफाई के लिए, तब वो पैकिंग कर दें, और दूसरी ये चीज़ कि मैं व्लॉग भी कंटिन्यू करके जो मैंने लिस्ट आप लोगों को दिखाई थी वो मैं कंप्लीट कर लूँ, ठीक है जी। तो अभी जो अली मेरे लिए ये ज़रा डब्बा शब्बा हटा दें, किचन का सामान भी मैंने यहीं रखा हुआ है। अली जो मेरी चीज़ें लेकर आया था वो ये हैं, उसके अलावा जी ये ग्लू गन की स्टिक्स हैं, ये दो लवाजमात हो गए, उसके अलावा हमारे ये हैं जी प्रिंट्स सारे ही आ गए हैं आई थिंक। हाँ जी, तकरीबन है सारे ही आ गए हैं, शुक्र है ये भी कि एक दफ़ा ही सारे बनेंगे जाएंगे, तो ज़रा ना मेरा टेंशन ज़रा ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। बस मैंने एक प्रिंट देखना है वो किस तरह से हुआ है, ये वाला, ये क्लाइंट ने अपना ना ज़रा डिफरेंटली कुछ करवाया था कि ये लिख कर ज़रा प्रिंट करवा दें, तो मैंने कहा ठीक है जी। तो ये प्रिंट हो चुका है, बाकी ये सारे लवाजमात ये हैं जी, बाकी निकाह नामे, इन शॉर्ट जी ये सारे निकाह नामों के और उनके प्रिंट्स हैं। बाकी ये अली चार्ट पेपर्स लेकर आया था, व्हील्स बनाने वाले हैं, लेकिन जो मेन काम है ना मैं अभी करने के लिए आई वो है जी एक ट्रे, मिरर भी लाया था, ये हैं जी मिरर्स। हाँ अच्छा जी, एक है जी ट्रे जो हमारी लिस्ट में से रहती थी। सबसे पहले हम अपनी लिस्ट के काम कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये वाले कल जाने लाजमी हैं। इसमें से हमारी ये वाली रहती है जी एक ट्रे और एक ग्लास, ग्लास मेरा किचन में है, किचन से लेकर आती हूँ। इन दोनों को कंप्लीट करते हैं और ये कस्टम प्रिंट हमारा आ चुका है, इसको बस फ्रेम में ऐड करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ऑर्डर्स हमारे डन होते हैं। तो उसके बाद कुछ काम मैंने ये लिखे थे जो कि दुपट्टा था, रेजिन ट्रे थी और कुछ और चीज़ें थी जो बनानी थी, ठीक है। तो ये वाले काम जो है ना इन कामों के बाद करेंगे, ये ट्रे बनाने के बाद। अच्छा जी, तो ग्लास ले लिया हुआ है, मैं कमरे में जा रही हूँ, ग्लास को मैंने वॉश करके रखा हुआ था। बड़े वाला मिरर ये है, इसके साथ एक छोटा भी था, लेकिन वो बाय चांस बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ पे टूट चुका है और उसके सारे शीशे के क्रंचेस बिखरे हुए हैं, क्रंचेस। अभी बड़े वाला जो मिरर है ना उसको मैं रखने लगी हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आंटी ने मेरा सामान इतना रख दिया ना, हालांकि सारे सामान को ना यहाँ नहीं होना चाहिए, पर आंटी ने ना मेरे सामान के साथ लाजमी एडजस्ट करना होता है, पता नहीं क्या मसला है। इन बातों में ना मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, मुझे मेरी चीज़ कोई मेरी चीज़ को इस तरह से उठाकर यहाँ से वहाँ करे, बहुत ज़हर काम लगता है मुझे। ये एक दो ऑर्डर्स हमारे कंप्लीट हैं, लॉक मैंने नहीं किया, मैं इस टाइम दरवाज़ा लॉक करके बैठती हूँ। ये तीसरा ऑर्डर कंप्लीट है, बाकी वो तेल दुपट्टा पड़ा हुआ है, ज़रा मैं लॉक कर लूँ। हाँ जी अच्छा जी, इन कामों के अलावा मैंने दो पार्सल्स की अनबॉक्सिंग भी करनी थी, एक ये पार्सल था और एक ये पार्सल था। तो पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फिर इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है जी। तो ज़रा मैं इनको यहाँ रखूँ, अब कैमरा तो सेट नहीं हो सकता क्योंकि कैमरे का मैं हाल बुरा कर चुकी हुई हूँ, कैमरे का नहीं उसका स्टैंड का, स्टैंड का हाल इस तरह बुरा हुआ था एक दफ़ा जब मैंने आपको यहाँ पे लगाया हुआ था कैमरा स्टैंड और वहाँ पे सेट कर रही थी ना, तो एकदम से गत्ते के साथ टच हुआ था और सारा जो है ना वो बिखर गया था, टूट गया था ऊपर से, उसको ठीक करवाना है। बाकी मुझे किसी के कैफ़े का डब्बा भेजा है, कैफ़े का डब्बा तो नहीं है, मेरा पार्सल है अंदर, इसको ज़रा ओपन कर लें। हाँ अंदर स्टैमन्स हैं, मैंने ऑर्डर किए थे ये वाले,
अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गए अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों दफ़ा, क्योंकि ये मुझे अपने सिटी से मिल रहे थे, ना लाहौर से, ना रावलपिंडी से और ना ही कराची से। तो अब फाइनली ये आ चुके हैं जहाँ से भी मैंने ऑर्डर किया। थैंक यू सो मच आपका भेजने का और इतनी जल्दी भेजने का। ठीक है जी, ये हमारा पहला पार्सल हो गया। इसको जी हम करते हैं जी डिस्कार्ड। ये गया जी डस्टबिन में। उसके बाद जी हमारा सेकेंड पार्सल है। असल में ना अभी मैं एडिट कर रही थी ये क्या होता है ये व्लॉग एडिट करके पोस्ट कर रही थी, तो पोस्ट करना था तो मैंने क्या किया कि मैंने ना पोस्ट करने से पहले ना देख लिया कि आज के व्लॉग में इतना ख़ास कुछ है नहीं और ना ही मैंने कोई डिस्पैचिंग की है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले जाकर अपना व्लॉग थोड़ा सा एक इंक्रीज़ कर लूँ, क्योंकि व्लॉग जो था 4-5 मिनट का ही बना हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है अभी चलती हूँ वहाँ पर और जाके व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो ज़रा मुझे इसको ओपन कर लेने दें। यार लिटरली मैं इतना हैरान ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुई सच में। इसका तो मुझे पता था कि ये बॉक्स इतना सा होगा और इसका भी मुझे आइडिया था कि ये बॉक्स इतना सा होगा, लेकिन मैंने हज़ार दफ़ा इनके पेज पे ये देखा था और इसका साइज़ देखें, अल्लाह माफ़ करे इतना छोटा साइज़। पता नहीं इसने जो पिक्चर में लगाया था वो पिक्चर मैं आपके साथ यहाँ पे साइड पे अटैच करूँगी, उसमें देखिएगा कि ये साइज़ क्या है और ये भेजा क्या गया साइज़। सच में ये इतना सा साइज़ होता है? सिर्फ ये साइज़ होता है? इसमें क्या है ये इतना सा कहाँ लगाना है हम लोगों ने? खैर ये वाली अनबॉक्सिंग मज़े की थी, ये वाली नहीं मज़े की। तो ज़रा ना इस लवाजमात को अनबॉक्सिंग को हटाते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो मैं करने आई थी काम, लेकिन मैंने बहुत अच्छा काम किया। काम मैंने ये किया, मैंने सारा गंद निकाला है अपने ड्रॉर्स में से। उफ़ ये फिर हो गया, फट गया। खैर मैंने अपना सारा गंद निकाला है जी अपने ड्रॉर्स में से, ये सारा गंद निकला है और इनको जी मैंने नीट क्लीन किया है। अगर तो दिखाया जाए, अभी भी नीट क्लीन नहीं है क्योंकि ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने ऊपर रखी हैं जो मुझे अभी चाहिए। ये भी मुझे चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो ये रखा हुआ है। और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा गंद था जिसको मैंने क्लीन किया है ऑलमोस्ट सारा, और ये वाला एरिया सारा क्लीन किया है और एक ये एरिया क्लीन किया है। ठीक है जी, और बाकी इन दोनों को नहीं मैंने छेड़ा, इन दोनों खानों जितना मैं करूँगी ना एक टाइम पे एक ही हो सकता है, एक टाइम पे मैं अपना सारा काम नहीं क्लीन कर सकती। और बाकी मैंने शो लगाया हुआ था बिग बॉस का और ट्रे बनाने लगी हूँ, ग्लास पड़ा हुआ है, तो अभी फ्री हुई हूँ और अभी सोच रही हूँ कि ये सारा गंद जो है ये अब सुबह ही उठाया जाएगा। बाकी मैंने आपको आई थिंक दिखाया नहीं, 2 बबल शीट के रोल्स आ चुके थे लाहौर से, भाई लेकर आया था, अली लेकर आया था, और एक दफ़ा में ही मैंने दोनों मंगवा लिए हैं। इनके अंदर ही पुराने वाला रोल है जो ये है, इतना सा बजिया था, तो मैंने कहा मैं 2 इकट्ठे मंगवा लूँ, रोज़ रोज़ नहीं भेजा जाता किसी को भी इस तरह से लाहौर और नहीं आते। ठीक है जी, बाकी ये जी मैं मिरर्स निकाल के ट्रे बनाती हूँ तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा जी, तो शो ख़त्म हो चुका है, नींद फुल आई हुई है लेकिन काम ख़त्म नहीं हो रहा, हर चीज़ ख़त्म हो गई है, हिम्मत सकत शो और दुनिया की हर चीज़ इस टाइम सोई हुई है, लेकिन मेरा जो काम है वो अभी भी चल रहा है और चलता ही रहेगा इंशाल्लाह। और अभी फ़िलहाल जो है मैंने ट्रे और ग्लास एज़ यूजुअल ख़त्म कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है। इस लड़की ने कहा था इनकी जो डिस्क्रिप्शन थी ट्रे की वो थी एक साइड पे फ्लावर्स और ये वाली जो आयत है ये राउंड में आयत के साथ, और जो ये वाला पीस है ये वाली नेम और ये इस तरह से बिस्मिल्लाह के साथ। और जब इन्होंने कहा कि दोनों साइड्स पे फ्लावर्स लगा दें तो मैंने इन्हें कहा कि नहीं, फिर चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे दोनों साइड पे फ्लावर्स ऐड करने की वजह से। तो फिर उन्होंने कहा कि चलें ठीक है आप रहने दें, जैसी ट्रे है आप वैसे ही मुझे रेड और वाइट में डेकोर कर दें। मैं कहा ओके। अच्छा उसका डिज़ाइन जो था वो मैं भूल गई और मुझे ये डिज़ाइन याद रह गया कि इसने मुझे दोनों साइड पे फ्लावर्स का कहा था, लेकिन ये याद ही नहीं है कि उससे डिसीजन में पेमेंट ज़्यादा होने की वजह से उसने ये ख़त्म कर दिया था। मैंने उसी के लिहाज से डेकोरेट कर दिया और स्टिकर भी मैंने उसी लिहाज से ही प्रिंट करवाया था। अब उसकी किस्मत थी, उसको पसंद ही ये चीज़ आई थी, अब इसमें क्या किया जा सकता है।
अब जिसको जो चीज़ पसंद आई उसकी नियत थी, अल्लाह ताला ने उसको मेरे हाथों से वही बनवाया और मुझे मेरे माइंड से वो चीज़ निकल गई। तो अब ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ, मेरी तरफ से तो नहीं हुआ। खैर मैंने जो है वो ट्रिक कंप्लीट कर ली हुई है और कोई नहीं, खैर है। अब इसके ऊपर क्या चीज़ पे बहस करनी। और ग्लास जो कहा था उन्होंने कि सेम उसके साथ का डेकोरेट कीजिएगा, वो मैंने उसके साथ का ही डेकोरेट किया है। और ये इनका रेड पेन है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, रेड और वाइट थीम इनका। ये अगर ग्लास हम हटाते हैं, ग्लास के साथ तो आपने देख लिया ट्रे, अगर हम पेन के साथ रखते हैं तो भी बहुत प्यारी लगती है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह ये होगा डिस्पैच। आज इसलिए डिस्पैच नहीं हुआ क्योंकि इसको टाइम लगना था और टाइम था नहीं हमारे पास। ये एक ऑर्डर हो गया और ऑलमोस्ट हमारे सारे ऑर्डर्स हो गए हैं। ये एक ऑर्डर है ये वाला और इसके साथ व्हील है। अब ज़रा मुझे सीट से उठना पड़ेगा, यहाँ पर ज़रा मैंने फ्लावर्स खिला रहे हुए हैं, खलारा डालने में मैं अव्वल तरीन दर्जे की माहर हूँ। और ये अभी नहीं मैं डालूँगी, अभी फ़िलहाल जो है ना मुझे रेजिन बनानी है। बट अभी जो है ना मुझे ये ऑर्डर ज़रा इकट्ठे कर लेने दें जो मैंने कल भेजनी है। अच्छा तो मैंने अभी पता है क्या किया, मैंने ना लाइट चला ली है, ये रिंग लाइट एज़ यूजल। मैंने कहा मैं ना ज़रा इनका शूट कर लूँ, सुबह यहाँ पड़ी होंगी, आंटी को कहूँगी आंटी जी पैक करके जाएं तो मेरे लिए थोड़ा सा ना ईजी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं कल बहुत ज़्यादा लेट कर दूँगी तो पैकिंग में जो है ना वो टाइम लग जाएगा। अच्छा जी, तो सब कुछ डन एंड चेयर पे शिफ्ट। और नाउ आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी जो है मिरर से बचते हुए इस शॉपर को इसकी जगह पे रखते हैं और लेट्स ओपन द अलमारा, नॉट अलमारा, अलमारी। बिस्मिल्लाह, इसको मैं ज़रा रखती हूँ यहाँ, ठीक है, मिरर के ऊपर। और हमें क्या चाहिए, ये वाली एक क्या काम करती है, आग निकालती है, ये चाहिए। आई थिंक इसके आगे और भी कुछ था बट मिसिंग है। बाकी मुझे एक ये वाला मिरर चाहिए, क्योंकि एक गंदा मिरर चाहिए होता है, टेबल साफ़ है ना तो क्लियर टेबल पे रख नहीं सकते, ठीक है। लाइट ओवियसली चल रही है, लाइट में आज हम ना रेजिन बनाएंगे। इस पर हम शिफ्ट करते हैं जी मोल्ड को, ये है हमारा मोल्ड। कैमरा मैंने इधर किया ही नहीं, वह बातें करी जा रही हूँ मैं। अच्छा 4 बज गए और मम्मा का फ़ोन आया, मैं डर गई हूँ कि पता नहीं किसका फ़ोन आया। मम्मा का फ़ोन आया और मम्मा ने एक ही बात की है, निम्रा किधर हो? सोए सोए मैंने कहा मम्मा मैं रेजिन बना रही हूँ, साथ ही फ़ोन बंद। अब आएंगी मम्मा इस रूम में और मेरी थोड़ी बहुत करेंगी। हाल है तेरा कोई इतने बैठन का? शर्म नहीं आती, पूरी रात जागती रहती है, शर्म नहीं आती। अब मम्मा थोड़ी सी बिस्ती वस्ती करेंगी और फिर चली जाएंगी, फिर मुझे कहेंगी चल नमाज़ पढ़ते सो, और फिर मैं ना से नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगी जी। तो इसको ज़रा हम ना इस तरह करें, बिस्मिल्लाह, आधा बाहर चला गया, ठीक है। और फिर हमने डालना है थोड़ा सा इधर, और हमेशा हमेशा की तरह जो मेरा रेजिन है वो हमेशा नीचे आता है, हमेशा नीचे आता है, कुछ भी कर लो इसने ऊपर नहीं जाना। तो मैं ना इसके नीचे कुछ रखती हूँ, अभी मेरे पास मेरे नेम का ही अल्फ़ाबेट है तो अभी मुझे वो रखना पड़ेगा, वो स्टेबल रहे, ठीक है। अभी हमारा ये सेंटर में जाएगा, ठीक है, ये हम इस तरह से डालेंगे, सारा पोर कर देंगे, उसके बाद इसके अंदर ना डिज़ाइनिंग डिजाइनिंग करेंगे। ब्लर हो गया, मैं फ़र्स्ट टाइम जो है रेजिन है ना लॉग कंटिन्यू के साथ बना रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में। अभी जी मुझे कैमरा रख के ना इसको ज़रा साफ़ करना पड़ेगा पूरी डब्बी को, तो वो कर लूँ जी। तो सारा रेजिन डाल चुकी हूँ और एक करतब मुझे अभी याद आया जो मैंने अभी अभी किया, और एक करतब रूनुमा हुआ है, ये देखिएगा यहाँ आग निकलेगी। कितनी प्यारी लगती है, ये देखिएगा, वाह। अच्छा जी, व्लॉग तो बहुत लंबा हो चुका है और रेजिन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये है जी इसकी ओवरलुक, गोल्ड और रेड का कॉम्बिनेशन है। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाजमी लाइक करें, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें, नीचे आ रहा साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। मैं जा रही हूँ जी मामा के लिए,
सहरी बनाने के लिए, और फिर उसके बाद मैं जी नमाज़ पढ़ के सो जाऊंगी। और आप लोगों ने सब्सक्राइब करके जाना है, लाइक करके जाना है, कमेंट करके जाना है कि आपको व्लॉग कैसा लगा है। और आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी कल सुबह उठकर इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।